मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। आज झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य ग्रामीण के बारे में आपको बता दें, यह झारखंड का अपना बैंक है जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। ये पूर्णतः सरकारी बैंक है और इसमें शेयर पैटर्न जो है वो 50% भारत सरकार, 35% जो हमारा स्टेट बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, और 15% गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है। हमारा टैगलाइन अगर देखेंगे बैंक के नाम के साथ जुड़ा है, झारखंड का अपना बैंक। यही एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय झारखंड में है और ये झारखंड के लोगों से जुड़ा है। क्रियाकलाप जो है वो हम कृषि से लेके इंडस्ट्रीज, बड़े फिनांस, रियल सेक्टर, हाउसिंग, गोल्ड लोन, हर तरह के प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट बैंकिंग में हैं, सभी प्रोडक्ट मुहैया करा रहे हैं। साथ साथ हम जितना भी है अदर प्रोडक्ट, आप देखें इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, सोशल सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट अपने शाखाओं के माध्यम से हम आम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। और रिमोट विलेजेज में जिधर कोई नहीं है, जिधर बैंक पहुंच नहीं पाई है, उधर भी हमारी प्रेजेंस है और उन जगह पे भी हम अपनी सेवाओं को अपने शाखाओं के, सुदूर शाखाओं के माध्यम से, अपने स्टाफ सदस्यों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम बीसी चैनल भी लेकर रखे हुए हैं, जो बीसी चैनल अलग अलग गांव में जहां शाखा भी नहीं पहुंची है, उस जगह भी डोर स्टेप बैंकिंग गाँव में मुहैया करा रहे हैं। NRLM में हम पूरे स्टेट में अग्रणी हैं। सबसे ज्यादा अगर कहें महिलाओं को जोड़ना और महिलाओं के सशक्तिकरण में अगर कोई काम कर रहा है, ये संगठन जो है, जो स्वयं सहायता समूह है, उसमें फिनांसिंग की बात हो या उनको एक्सपोजर, उनको डिफरेंट क्रियाकलाप के लिए पैसे मुहैया कराने की बात हो, उसमें सबसे ज्यादा पूरे राज्य में हम लोगों ने किया है। इवन बड़े बड़े बैंक से भी ज्यादा हमारा। आज हमारे साथ रीजनल मैनेजर है, विशेष जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, एक्चुअली ये बैंक 4 साल से है और ये 2 बैंकों को अमलगमेट करके बना। एक पहले बैंक हुआ करती थी वनांचल ग्रामीण बैंक, आपने सुना होगा, फिर झारखंड ग्रामीण बैंक। तो ये भारत सरकार के 1976 के RRB एक्ट के तहत बना हुआ है, पूर्णतः सरकारी बैंक है और हमारा प्रेजेंस जो है वो 24 जिले में है। ये रीजन जो है वो 3 जिलों को सर्व करता है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिला, यानी अस्टवाइल सिंहभूम होल। और टोटल हमारी 81 ब्रांचेज हैं। हम बैंकिंग के हर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी पहुँच जो है वो सुदूर क्षेत्रों में, जहाँ दूसरे बैंक नहीं पहुंच पाते हैं या आप पहुंचने का जहां कोई साधन नहीं है, उन जगहों पर हम काम कर रहे हैं। और 81 ब्रांचेज का जो नेटवर्क है सर, वो पूर्वी सिंहभूम अगर लें तो 32, पश्चिमी सिंहभूम 29 और बाकी 20 शाखाएं जो हैं वो सरायकेला खरसावा में हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास कृषि से लेके बड़े इंडस्ट्रीज तक के प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, कृषि लोन है हमारे पास, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए NRLM है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए NULM है, इसके अलावा SRT है, SME सेक्टर में हम अच्छा काम कर रहे हैं, मुद्रा के लोन हमारे पास हैं, कोई ऐसा शिक्षा ऋण हमारे पास हैं, आप कोई SRTO में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास है, घर लेना चाहते हैं हाउसिंग लोन है, और सबसे बड़ी बात हाउसिंग लोन का जो रेट है वो मार्केट कम्पिटिटिव सबसे कम अगर है तो वो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का है। मेरिट्स आप देखेंगे, अगर मैं अपने प्रोडक्ट का, मेरे पास टाइम थोड़ा कम होगा, अगर मेरिट्स मैं बताऊँ तो आप देखेंगे कि कॉस्ट कुछ नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, आपको डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, चार्जेज मिनिमम है। ग्रामीण बैंक का हुआ एक स्पेशल प्रोडक्ट जो महिला लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, जो दूसरा बैंक नहीं दे रहा। सर देखिए, प्रोडक्ट हमारे पास सभी हैं, महिला के लिए अलग से प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। महिला जिस चीज़ों को करती है, जैसे पापड़ उद्योग है या सिलाई कढ़ाई का काम है, तो वो महिला जैसे ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप के थ्रू हम करते हैं, हम ग्रुप को लेंड करते हैं, ग्रुप उनको लेंड करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल फिनांसिंग भी करते हैं, इवन मुद्रा में भी उनको जोड़ रहे हैं। दूसरा एक सवाल आपने किया, बड़ा अच्छा सवाल किया, वो
आज के बैंकिंग के बारे में कि इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करेगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक डिजिटल क्षेत्र में इतना काम कर रहा है। आपको जिस पर पेमेंट करना हो, मेरा अपना ऐप है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का, गूगल पे अवेलेबल है, और जो हम दे रहे हैं लिमिट, वो लिमिट बैंक में मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप 5 लाख का ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली अपने पाम टॉप से, अपने लैपटॉप से आप कर सकते हो। एक ट्रांजेक्शन पूरा कहें तो 10 लाख का लिमिट आपके पाम टॉप में हमेशा दिया हुआ है, यानी अपने मोबाइल पे आप लॉगिन कीजिए और कर लीजिए। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप में भी आप ऐड कर सकते हो हमारे बैंक को, आप गूगल पे फोन पे किसी में भी जा सकते हैं। सारा ट्रांजेक्शन पूरा डिजिटल एरा की ओर हम चल रहे हैं, और हम सर पूरे कंपटीशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर दूसरे बैंक के साथ खड़े हैं। सर ग्रामीण में अभी जो आपने लॉन्च किया कि डोर सर्विस हो, क्या उसके बारे में थोड़ा? सर ये बीसी चैनल है, एक्चुअली बीसी चैनल सीएसपी उसे बोलते हैं, कॉमन सर्विस पॉइंट। ये क्या है, हम कंपनीज को अपने साथ ऐड कर लेते हैं और पूरा एक एप्लीकेशन बना के उनको लैपटॉप पे दिया हुआ है। वो गांव में ही बैठ के अपने आपके घर पे बैठ के AEPS के थ्रू, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आप अंगूठा लगाएं उनके डिवाइस पे, फुली सिक्योर्ड आपका अकाउंट हिट कर जाएगा तुरंत, और रियल टाइम में आपको जितने पैसे की ज़रूरत है वो आपके हाथ में मेरा बीसी देके चला जाएगा। यानी आपको ATM जाने की जरूरत। ग्रामीण क्षेत्र सबसे अधिक एजुकेशन लोन के लिए सर, ग्रामीण एजुकेशन लोन में भी हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट हैं, जो बच्चे बहुत अच्छा करके आ रहे हैं उनके लिए हम सस्ते दर पर मुहैया करा रहे हैं, और हमारे वेबसाइट पर ये दर अवेलेबल हैं, जो भी हैं वो सारे अवेलेबल हैं, और सभी प्रोडक्ट हमारे पास हैं एजुकेशन लोन के भी। सर सर एक जो लास्ट और अंतिम सवाल, जो अभी साइबर बहुत अधिक ये हो जा रहा है, अब देख रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, इसके लिए सर क्या आपके पास सर है? इसमें हम देखिए FLC के माध्यम से हम सर इसमें जागरूक कर रहे हैं लोगों को। 3 जिले में हमारे FLC कार्यरत हैं, और फिनेंशियल लिटरेसी काउंसिलर्स बोलते हैं उनको, वो हम हर महीने कैंप करते हैं गाँव में, सुदूर गाँव में जाके कैंप करते हैं। बिसाइड्स इसके हम SMS के थ्रू जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जिस मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल आप हमारे यहाँ सीड करके रखें उस मोबाइल पे हम बार बार ये SMS देते हैं, आप अपना OTP ना शेयर करें, आप अपनी जानकारियाँ किसी को ना दें, आप अपने ATM कार्ड का ब्यौरा ना दें। तो जागरूक कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं सर। अभी आप गांव में देखें सब लोग सक्षम हो गए हैं, और अब ये कम हो रहे हैं, लेकिन ये चलता रहेगा साथ साथ। सर ये आपका पाँचवा है कि चौथा? ये चौथा हमारा वर्षगांठ है। हाँ, यानी ये 19 में 1 अप्रैल 2019 को ये बैंक अमलगमेट होके, दोनों बैंक को अमलगमेट करके इसको बनाया गया भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप, और उस समय से अभी तक चला रहा है, और ये आगे अनवरत काम करता रहेगा। सर झारखंड स्टेट को छोड़ के आने वाले भविष्य में और भी स्टेट में खोलने का प्लानिंग है? सर ये भारत सरकार की जो भारत सरकार का जो कंसेप्ट है वो हर स्टेट के लिए भी बैंक है, हर स्टेट में ग्रामीण बैंक है। होता क्या है कि एक बैंक को जोड़ा जाता है जो उसका शेयर होल्डिंग 35% का रखता है। तो झारखंड में स्टेट बैंक है, किसी और स्टेट में जैसे अगर बिहार की बात करें वहाँ पंजाब नेशनल बैंक है, तो ऐसे बहुत सारे बैंक अभी हैं, ऑलरेडी हैं, वो हर स्टेट के लिए एक एक बैंक बना हुआ है, और पैटर्न यही है, वो काम कर रहे हैं, सिर्फ स्पॉन्सरशिप अलग के पास है, यहाँ स्टेट बैंक है किसी और में। स्टेट बैंक 14 स्टेट में काम कर रहा है, 14 जगह पे स्टेट बैंक है। आपको स्थानीय बैंक यानी ग्रामीण बैंक का एक अकाउंट रखना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सरकार की बहुत सी योजना है जो सरकार अपने जनता के लिए लाती है, उसका सही जानकारी अगर आपको मिलेगा तो वह ग्रामीण बैंक में ही मिलेगा। नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं EDLIVE। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अलग विषय में।